ओम शांति। बाबा कहते खुद को बिंदु आत्मा अनुभव करो। जितना खुद को आत्मा बिंदु अनुभव करेंगे उतना बिंदु बाप की याद समाई होगी। सदा स्मृति रहे कि मैं आत्मा निराकार, मेरा पिता निराकार, मैं निराकारी दुनिया की वासी हूं। तो जितना अपने स्वस्वरूप की स्मृति होगी उतना पिता परमात्मा से सर्व शक्तियों की प्राप्तियां होती रहेंगी। देह भान से न्यारे, देह के संबंध से, देह के बंधन से न्यारे, बोझ मुक्त हल्के फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। बस एक ही रट लगी रहे कि अब घर जाना है। घर जाने के लिए मैं जैसी आई थी मुझे वैसे ही बनकर वापस जाना होगा। बाबा आए मुझे आप समान बनाने के लिए। देह से न्यारा, देह की दुनिया से न्यारा, देह के विनाशी संबंधों से न्यारा, एक बाप का प्यारा जितना अनुभव करेंगे उतना घर जाने के लायक बनते जाएंगे। तो आज अमृत बेला में हम यही अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे मैं आत्मा, बिंदु रूप बिंदु पिता परमात्मा की संतान हूं। मैं आत्मा बिंदु रूप बिंदु पिता परमात्मा की संतान हूं। जब अमृत बेला से हम इस स्वमान की सीट पर सेट हो जाएंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए आत्मिक स्वरूप में स्थित रह सकेंगे, पिता परमात्मा की याद में रह सकेंगे और पिता परमात्मा से सर्व प्राप्तियां कर सकेंगे। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं अजर अमर अविनाशी बिंदु आत्मा हूं। यही मेरा अनादि आदि स्वरूप है। अब इस सृष्टि चक्र के अंत समय में मुझे यही पहला और अंतिम पुरुषार्थ करना है। स्वयं भी बिंदु रूप में स्थित होना है। निरंतर बिंदु बाप को ही याद करना है। और ड्रामा के हर सीन को देखते हुए भी साक्षी होकर रहना है। हर विघ्न हर परिस्थिति को बिंदी लगाते
आगे बढ़ते जाना है। इस पल, इस घड़ी जो बीता, उसे नथिंग न्यू की स्मृति से बिंदी लगाते आगे बढ़ते जाना है। इस एक बिंदी में ही सब कुछ समाया है। मैं बाप और रचना, सब कुछ इस बिंदी में ही समाया है। अब मुझे कुछ और जानना ही नहीं है। खुद को आत्मा बिंदु अनुभव कर, बिंदु पिता परमात्मा को याद करना है। तो अनुभव करें मैं आत्मा बिंदु रूप, बिंदु पिता परमात्मा की संतान हूं। मैं आत्मा बिंदु रूप, बिंदु पिता परमात्मा की संतान हूं। मैं आत्मा बिंदु रूप, बिंदु पिता परमात्मा की संतान हूं। इस अनमोल संगम युग पर मेरा और कर्तव्य ही बाकी क्या रहा। बिंदु बाप को श्वासों श्वास याद करते रहना, ये संपूर्ण मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष समस्त सृष्टि का विस्तार एक मात्रा में ही समाया है।
और वो है बीज रूप बिंदु बाप। मुझ बिंदु में अविनाशी 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। कैसी विडंबना है ये, जो मैं बिंदु आत्मा स्वयं को ही भूल गई थी। स्वयं में भरे 84 जन्मों के अविनाशी पार्ट को भी भूल गई थी। आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल। देह के भान में आकर स्वयं को भी देह समझ बैठी। और समय के इस काल चक्र में फंसकर रावण की बंधनी बन गई। रावण की इस मायावी नगरी में उसकी रची भूल भुलैया में भटककर अपने अविनाशी प्रियतम अपने साजन अपने रहबर अपने दिलबर को ही भूल गई। और शोक वाटिका में एक जेल बर्ड की भांति दिन काटने लगी। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा शुक्रिया। जो आपने मुझे स्वयं की स्मृति दिलाई। अपना और अपने घर का परिचय दिया। तो अनुभव करें मैं आत्मा बिंदु रूप। बिंदु पिता परमात्मा की संतान हूं। मैं आत्मा बिंदु रूप।
बिंदु पिता परमात्मा की संतान हूं। मैं आत्मा बिंदु रूप, बिंदु पिता परमात्मा की संतान हूं। मेरे मीठे प्यारे शिव साजन का, कैसे शुक्रिया करूं मैं मेरे प्यारे पिता का। जिन्होंने मुझे रावण के पिंजरे से आजाद करके मुझे मेरी पहचान दी, मेरी खोई स्मृति लौटाकर मुझे फिर से अपनी संगिनी स्वीकार किया। मुझे मेरे बिंदु स्वरूप की स्मृति कराई। अपने सच्चे स्वरूप की पहचान दी। तीन बिंदियों को भूलने के कारण ही मेरा ये हाल हुआ था। मेरा इतना अधिक पतन हुआ था। मगर अब मैं अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान गई हूं। मुझे अपने असली घर का रास्ता मिल गया है। अब मुझे अपने घर जाना है। जिसके लिए मुझे उसी बिंदु स्वरूप में स्थित होना है। जिस रूप में मैं साकार लोक पर आई थी। मैं अशरीरी इस धरा पर आई थी। अब वापिस भी अशरीरी होकर ही जाना है।
मैं अनादि अविनाशी बिंदु आत्मा हूं। मैं अशरीरी बिंदु आत्मा हूं। मैं निराकार बिंदु आत्मा हूं। मैं निराकार बिंदु आत्मा हूं। निराकार बिंदु पिता परमात्मा की संतान हूं। तो अनुभव करें मैं आत्मा बिंदु रूप। बिंदु पिता परमात्मा की संतान हूं। मैं आत्मा बिंदु रूप। बिंदु पिता परमात्मा की संतान हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं आत्मा बिंदु रूप। बिंदु पिता परमात्मा की संतान हूं। अच्छा, कल अमृत बेला में सुबह 4 बजे नए स्वमान के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।